आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, सलाम, सलाम। आज नए साल के पहले दिन पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं और दुआ भी करूंगा कि आप सबका ये नया साल सुख समृद्धि और खुशियों से भर जाए। तो आज के दिन की शुरुआत बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ। मामा हैप्पी न्यू ईयर। मामा थैंक यू। बेटी और मेरे मैंने कहा सबसे पहले पापा को मिस किया, फिर हम भी छू लेते हैं हैप्पी न्यू ईयर। भाई लोग, वैसे तो मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन मैं एक रोटरैक्ट क्लब, आप सब लोग जानते हैं रोटरैक्ट क्लब गोला यूथ, जो कि रोटरी क्लब का एक हिस्सा है, और रोटरी क्लब गोला यूथ का मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ। आज सुबह अभी हमारे अध्यक्ष महोदय पटेल सुशील वर्मा जी का फ़ोन आया था कि आज नववर्ष पर हम लोग ज़रूरतमंदों को कंबल इत्यादि बांटने का विचार है उनका, तो हम वहीं जा रहे हैं सुबह सुबह। चलिए पटेल भैया जा ही रहे हैं आगे आगे, फोर व्हीलर से जाएंगे क्योंकि ठंडक हो गई है बहुत ज़्यादा। ये हमारे पीछे आ रहे हैं गौरीश भैया बहुत ही तेजी के साथ। ये लो दादा, ये लो। सबसे पहले हम लोग कहाँ जा रहे हैं भैया? वृद्धाश्रम में थोड़ा कंबल वितरण करना है। उसके बाद हमारे ड्राइवर महोदय, क्या नाम है? गौरीश जी। ठाकुर गौरीश जी हमारे कैशियर भी हैं और ड्राइवर भी हैं। टेंशन है गौरीश भाई का। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने गंतव्य पे, और गंतव्य है अरुश्री वृद्धाश्रम। यहाँ पे वो लोग रहते हैं जिन्होंने उनकी परवाह करी जो आज उनकी खुद परवाह नहीं कर रहे हैं। हमारे अभिषेक भैया अम्मा को कंबल देते हुए, हमारे गौरीश भैया जी, गौरीश भैया जी अम्मा को कंबल ओढ़ाते हुए, ये हमारे बड़े भैया गौरव भैया ये बाबा जी को कंबल दे रहे हैं, अरे अध्यक्ष महोदय पटेल भैया हमारे बड़े भाई बाबा को कंबल दे रहे हैं, बड़े भैया हमारे अम्मा को कंबल दे रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे वन टांगिया। जल्दी बैठिए भैया, ठंडक का माहौल है, जल्दी जल्दी घर चलते हैं सब लोग। ड्राइवर गौरी भैया, ये वन टांगिया गाँव कहाँ पड़ता है? वन टांगिया गाँव गोला से नजदीक, थोड़ा आदिवासी बाहुल्य गाँव है। वृद्धा वहाँ पे वृद्धाश्रम थे हम, कुछ शेड्यूल ट्राइब निवास करते हैं। अच्छा अच्छा, और मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आज उसे इसी लोकेशन पर बुला लो, वहाँ से फिर निकला जाए। हम लोग भैया भरी दोपहरिया में ये नहर के किनारे किनारे ठंडी ठंडी हवा खाते हुए जा रहे हैं। वन टांगिया गाँव है जो पता नहीं कहाँ है, पूछ पाछ के भैया चल रहे हम लोग। ये देखो नहर है, ये देखो, और ये बहुत बढ़िया रास्ता है। हमारे गौरी जी का पूरा क्रेडिट है, बढ़िया गाड़ी चलाते हैं। ले बाबा ले। फिलहाल हम लोग भैया जंगल में घूम रहे हैं और थोड़ा रास्ता भटक गए थे। हमारे पटेल भैया बाइक से आ गए हैं, और जो बाइक चला रहे थे उन लोगों को थोड़ा गर्म होने के लिए हम लोगों ने फोर व्हीलर में उठा दिया है, और अपनी गाड़ी आ रही है। ठंडक के मारे हालत हो गई ख़राब भैया, तो हम लोग ना अपनी
तरफ वापस जा रहे हैं और रास्ते में अगर कोई मिलता है तो वहाँ पर कंबल वितरण कर दिया जाएगा कि रास्ता दो तीन बार पटक डर भी लगता है। आगे में शेर भी है भैया। हाँ और फिर गाड़ी कार कहाँ खड़ी करेंगे? गाड़ी खड़ी नहीं कर पाएंगे। हाँ चप्पलियाँ नहीं कर पाएंगे। अच्छा रब चल जाएगा। सही होता? हाँ सही। ऐसे जाइए खाली गाड़ी लेकर कर जाएंगे। अब हम लोग वन टांगिया गाँव तो जा नहीं पाए तो सड़क पे ही एक बुजुर्ग मिल गए तो क्यों ना हम लोग सोचे कि इनको ही कंबल वितरण कर दिया जाए। बाबा कहाँ जाए, कहाँ रह रहा हो? कंबल ले। चलो बढ़िया रहा है। ठंडक इतनी भयंकर हो गई है कि हम लोग थोड़ा ठंडे ज़्यादा हो गए हैं तो इधर मिल गया होटल सामने। लोग गए थे भैया मंडी तो वहाँ पे तो कोई मिला नहीं तो अब हमारे गौरीश भैया जो है कहने लगे कि स्टेशन चलते हैं, सामने ही बस अड्डा है तो मिल गया कोई ज़रूरतमंद तो अपना भी उद्धार हो जाएगा। ये हमारी कार के आगे आगे गौरव भैया और मिश्रा जी सड़क को कवर करते हुए चल रहे हैं। जितने हम लोग स्टेशन की तरफ जा ही रहे थे कि हमको एक बाबा जी मिल गया बैठे हुए जो ठंडक में कुड़कुड़ा रहे थे, ठंडक में परेशान दिखाई पड़ रहे हैं तो हमारे अभिषेक भैया बोलने लगे कंबल ले लीजिए बाबा। और अभिषेक भैया ने बाबा जी को कंबल पहना ही दिया सीधे। हम लोग आ गए गोला स्टेशन पे। गोला स्टेशन पे एक भैया ने बताया कि ओवरब्रिज के नीचे एक वृद्धा है, उनको शायद कंबल की आवश्यकता हो तो गौरी भैया हमारे चेकआउट करने जा रहे हैं। स्टेशन पे घूम ही रहे थे कि तभी एक दादी हमको मिली। दादी हैं कि बाबा देखते हैं भैया एक मिनट। हमारे बाबा जी मिल गए तो सभी ने कहा कि बाबा जी भोजन कर रहे हैं, बाबा जी आशीर्वाद बनाए रखे बाबा। रेलवे स्टेशन से निकल के हम लोग बस अड्डे की तरफ जा रहे थे तो एक भाई साहब मिल गए, थोड़ा दिमागी हालत से कमज़ोर लग रहे थे तो उनको हमारे अध्यक्ष महोदय कंबल पहना दिए। एक बाबा जी और आ गए तो अरे अभिषेक भैया कहने लगे कि लाओ बाबा जी को दे दिया जाए। पटेल भैया भी साथ में आ गए और नीतीश भैया भी मिश्रा जी भी साथ में आ गए। बाबा जी को भी कंबल पहना दिया। ये हमारे गौरीश भैया आप फोटो पहना रहे हैं, कंबल पहना रहे हैं। अभिषेक भैया बोलने लगे कि एक बाबा जी और आ रहे हैं तो उनको भी कंबल पहना दिया जाए। ये खोल रहे हैं भैया हमारे गौरीश भैया। ये लो अभिषेक अभिषेक। अब हम लोग अपने पटेल भैया के क्या कहते हैं पैरामाउंट क्लासेस की ओर मतलब सीधे सीधे घर की तरफ जा रहे हैं। कंबल सारे बांट दिए हैं, लगभग 50-60 कंबल बांटे हम लोगों ने और ये सब कुछ पॉसिबल हो चुका हमारे पटेल भैया के। अरे ये हर काम के पीछे बहुत दिल लगा के आगे बढ़ते हैं, पता नहीं क्यों बहुत अच्छे आदमी हैं। पता ही ना कहा है।